अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शाम का टाइम पार्क में बड़ा खूबसूरत होता है और मैंने सोचा कि रोज शाम को वॉक पे जाते हुए आपसे थोड़ी सी चिट चैट की जाए। और ये खास तौर पे ऐसा टाइम होता है कि जब आप अपनी जो पूरे दिन की जो भी आपकी मसरूफियत रही होती है, आप उसके बारे में रिफ्लेक्ट करते हैं, सोचते हैं आज का दिन कैसा गुजरा, कल क्या करना है, कैसे इम्प्रूवमेंट आ सकती है। वॉक करने से डेफिनेटली क्या होता है कि आपका बॉडी एंड माइंड दोनों एट ए टाइम आपकी हेल्थ को बेहतर करने में रोल प्ले कर रहे होते हैं, तो पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव थॉट प्रोसेसिंग होती है और आप ना चाहते हुए भी सोचने पे मजबूर होते हैं कि कहाँ गैप एरियाज हैं, कहाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, किससे और अपनी लाइफ को बेहतर बनाया जा सकता है अपने लिए, दूसरों के लिए। सो ऐसी सिचुएशन में अगर हम एक लम्हे के लिए ये सोचें कि आज के पूरे दिन में क्या मैंने रिश्वत तो नहीं ली, सिग्नल तो नहीं तोड़ा मैंने, कोई किसी के साथ बदतमीजी से बात तो नहीं की मैंने, किसी का दिल तो नहीं दुखाया, कोई ऐसी जिम्मेदारी तो नहीं जो मेरी जिम्मेदारी थी लेकिन मैंने नहीं निभाई, कोई ऐसा नेगेटिव काम, कोई हैबिट तो नहीं डेवलप हो रही मेरी लाइफ में जिसकी बुनियाद पे मेरी लाइफ टोटल बिल्कुल एक डिफरेंट एंगल पे चेंज हो जाए और पॉजिटिविटी खत्म हो जाए और स्ट्रेस और परेशानियों की तरफ चली जाए। क्या किया जा सकता है कि अपनी लाइफ को और बेहतर बनाया जा सके? क्या कोई किताबें पढ़नी चाहिए? क्या कोई अपनी सोहबत, अपनी कंपनी चेंज करनी चाहिए? क्या ऐसे अवामिल हैं जिनकी बुनियाद पे लाइफ में सुकून, पीस ऐड किया जा सकता है? कौन से दोस्त हैं जिनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना है और कौन से दोस्त हैं जिनके साथ कम टाइम स्पेंड करना है? सो ये वो मतलब कुछ एग्जांपल के तौर पे मैंने बातें की। इसी तरह की बहुत सारी बातें आप अपनी जिंदगी से रिलेटेड खुद से सोचें, अपने आप से सवाल पूछें और फिर अपने आप को इम्प्रूव करते जाएं। जितना आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे उतनी आपकी लाइफ बेहतर होती जाएगी। आज शुरू करेंगे, कल परसों तरसों लाइफ बेहतर होगी, कल परसों शुरू करेंगे और उतने ही देर से शुरुआत होगी। सो अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज़।